शुरू करें? बिल्कुल किरण जी, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड में। बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी को देख रहे हैं और कौन से आपके दो स्टॉक कॉल होंगे आज के लिए? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग शैल जी और हेमंत जी। गुड मॉर्निंग सर। से निफ्टी जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है फ्राइडे से, मेरा मानना है कि एकदम सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है और ये अच्छी बात है। शिफ्ट एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है, उधर एक्शन है। तो मेरा मानना है कि निफ्टी के लिए रेंज करीबन 12,050 ये 100 पॉइंट के रेंज में रहेगा। बैंक निफ्टी 31,750 32,150 ये रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा और जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक लार्ज कैप में एक बहुत बड़ी मूव नहीं देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि आपका ध्यान मिड कैप में या स्मॉल कैप में होना चाहिए। पहला स्टॉक मेरा जो बाय लिस्ट में आ रहा है वो CESC है। मेरा मानना है कि CESC बाय करके चलना चाहिए। दिसंबर फ्यूचर्स 755 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 780 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। एक सेल कॉल है सिप्ला पे, इधर बेचने की सलाह है, दिसंबर फ्यूचर्स बेचना है। 468 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 450 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए मध्य में, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अब मई के हफ्ते का जो है उसका उच्चतम स्तर लग रहा है, लगभग 7 महीने का हाई। आप क्या समझ रहे हैं किस हिसाब से ये चार्ट्स पर बिहेव कर रहा है और क्या इसके मध्यम अवधि के टारगेट्स होंगे? देखिए सर जी, बायोकॉन हमने जो बाय करने की सलाह दी थी वो करीबन 270 के रेंज के करीब दी थी और उधर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था और हमने ये भी बात की थी कि ये 300-310 की तैयारी हो रही है। तो मेरा मानना है कि इस सीरीज में आपको वो लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए और ये जो रैली है वो पूरी की पूरी खाने की कोशिश करनी चाहिए, या तो रिटेल बिजनेस में या रिलायंस जियो में आने वाले 1-2 साल में। किरण जी, पहले आपका मौका। देखिए, चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है, इसने पिछले 6-7 दिन का कंसोलिडेशन का आज वापस एक बार ब्रेकआउट दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम चल रहा है। मेरा मानना है अंडर करंट काफी है, पर अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देते हैं तो ओवर स्ट्रेस्ड है। 1200 से लेके 1600 तक चला गया है ये स्टॉक, तो काफी थिंग्स फैक्टर्ड है, पर फिर भी मेरा मानना है कि ये 1800-1850 के मीडियम टर्म आउटलुक से लेवल्स नजर आते हैं। चलिए अब काम करते हैं अपने, सबसे पहले तो गेस्ट को जोड़ते हैं। आज कुछ नंबर्स आपके सामने फ्लैश करेंगे, ऊपर टिकर पे आप देख रहे हैं नंबर्स, यहाँ पर आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और किरण हमारे साथ हैं, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। किरण, गुड मॉर्निंग, अभी क्या ट्रेड है यहाँ पर, लॉन्ग या शॉर्ट इंडेक्स में? वो है बजाज फाइनेंस, उसका कारण है और मेरा भी यही है कि 12,000 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि उधर एक अच्छा खासा पुट राइटिंग के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन है, वो निकलते हैं तो उधर से नीचे से करीबन 60-70 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिलेगी। शुक्रवार में भी आखिरी सदन में मैंने कॉशियसली बुलिश रहने की सलाह दी थी क्योंकि हम 12,000 के बहुत करीब आते नजर आ रहे थे और ऊपर से सेलिंग देखने को मिल रही है। तो जिस तरीके से आज सिर्फ रिलायंस एक होल्ड कर रहा है, बाकी कोई भी स्टॉक देखिए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम ही होता नजर आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा कॉशियसली बुलिश रहना चाहिए। पर 12,000 टूटता है तो एक सेल ऑफ 50-60 पॉइंट का ओके ठीक है। 105 की और UPL की कॉल लिया इन्होंने 580 की, तो UPL में हल्का सा लॉस है आपको, 22 रुपये की कॉल अब आपकी रह गई है 16 रुपये, और NMDC में ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर हैं आप। किरण क्या कहेंगे, मैं थोड़ा कम कन्विंस्ड हूँ इनकी दोनों ट्रेड से, लेकिन आपको लग रहा है कि पैसा बनेगा दोनों में या किसी में? देखिए NMDC अगर दोनों कंपेयर करते तो NMDC थोड़ा सा तो अच्छा देखने को मिल रहा है और आज के सत्र में करीबन 102 से 105 का बहुत अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा था, शायद ये थोड़ा सा कंसर्ट करेगा इधर और एक बार ये 106 के लेवल क्रॉस करेगा तो एक अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि इधर रुकने की सलाह है, आपका स्टॉप लॉस 101 का रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कौन सा स्टॉक था? UPL UPL पे मेरा मानना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है करीबन 580 का, ये जब तक निकल नहीं जाता तब तक मुझे लगता है कि ये इधर ही ट्रेड करता नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि इधर भी इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, वो है नजदीक का है तो वो है 560 का। ओके ठीक है, ये है दो आपके लिए जाए दोनों स्टॉक्स पर। सर मैंने फ्राइडे को रिलायंस का 1600 का कॉल खरीदा था, 3 लॉट 21 रुपए पे, 21 रुपए पे 3 लॉट लिया आपने, ठीक है, अच्छी ट्रेड लिया आपने और अच्छा मुनाफा बन रहा है इस समय। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस वो कंपनी है जो इस चैनल को ओन करती है,
लेकिन रिलायंस में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और सबसे वैल्यूएबल कंपनी भी है, मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के पार हो गया है। किरण, अब नियर टर्म में आज थोड़ा ऊपर खुल के हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग देखी है हमने, लेकिन इनकी 1600 की कॉल अभी ये बने रहे हैं, इसमें मल्टीपल लॉट्स हैं इनके पास। हाँ, मुझे लगता है कि इसमें से एक आध दूसरे लॉट में ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उसका प्रीमियम अगर आ जाता है तो एक अपना ब्रेक इवन एक लॉट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपका आज के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ठीक है, आज के लो के नीचे स्टॉप लॉस रहना चाहिए, एक या दो लॉट में अगर आप चाहें तो शायद प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और फिर देखते हैं। एक स्टॉक लेकर आइए, अदानी पोर्ट्स एंड एसईजी, उसमें जो है फ्राइडे को ब्लॉक्स हुए थे और आज भी एक दो ब्लॉक्स होने थे, वो सेलिंग प्रेशर जो है इसमें जहाँ ख़त्म होगा वहाँ पर आपको एक अच्छा एक मौका मिलेगा शायद, लेकिन ये अदानी पोर्ट्स, इस पर ध्यान रखिएगा, इस ये डे ट्रेड नहीं है ये, लेकिन इस पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जहाँ सेलिंग ख़त्म होगी, फ्राइडे को भी हुई थी आज भी है, थोड़े से ब्लॉक्स हैं, जहाँ पर ख़त्म होगी वहाँ पर स्टॉक पर ध्यान रखिएगा आप, अगर आप 6 महीने के या 9 महीने के इन्वेस्टर हैं तो एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक जोन में आ रहा है ये स्टॉक, और वो सेलिंग ख़त्म होगी उसके बाद आप इसमें मूव देखेंगे। चलिए अब अगले दर्शक को जोड़ लेते हैं फिर, विवेक शर्मा लुधियाना से। विवेक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, विवेक बोल रहा हूँ जी। हाँ, क्या कॉल लिया आपने? सर मेरे पास है ना इंडिया बुल्स का कॉल है। कौन सा? 400 का? हाँ जी, 400 का। बाप रे, कब लिया आपने? जिस दिन मार्केट, जिस दिन ये तेज था उस दिन या उसके उसके भी अगले दिन? उसी दिन लिया था सर, जिस दिन अनाउंसमेंट आने थी जो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से इनको। हाँ देखिए सर, एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है इस मार्केट का कि हमेशा मार्केट में न्यूज़ आने से पहले ही पूरी रैली हो जाती है, न्यूज़ आने के बाद तो बहुत कम जूस बचता है, और यही हुआ है इंडिया बुल्स के साथ। आपने देखा होगा 180 से नॉनस्टॉप 370-380 तक की रैली हुई, अब आप मुझे लग रहा है अनफॉर्चुनेटली इसमें फंस गए हैं यहाँ पर। अब किरण, कितने एक लॉट है आपके पास? एक ही लॉट है ना सर? मेरे पास एक लॉट है, और मेरा अभी व्यू चल रहा है कि मैं इसमें एवरेज करूं थोड़ी। नहीं नहीं सर, प्लीज देखिए, ये एवरेज मत करिए, ये वाला बिजनेस मत करिए एवरेज करने का। अब आप मतलब एवरेज करने से ना नुकसान ही होता है, और वैसे भी 400 की कॉल तो बहुत दूर की कॉल है, उसकी कॉल लेने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। मैं पर्सनली आपको बोलूंगा कि एवरेज मत करिए, एवरेज करना बहुत गलत स्ट्रेटजी होती है, लेकिन मैं किरण से राय ले लेता हूँ एक बार। किरण, राय दीजिए अपनी। नहीं, एकदम सही बात कही आपने कि बिल्कुल एवरेज नहीं करना चाहिए, और मोमेंटम में इसने इन्होंने बाय किया है तो प्रीमियम बहुत हेवी दिया है, अभी 10 रुपए का ही नुकसान होता है, हो रहा है, तो मेरा मानना है कि इधर से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी वापस एक बार 340-350 भी जाता है तो इधर प्रीमियम का बहुत बड़ा इजाफा होता है और नजर नहीं आएगा, तो उस लिहाज से मेरा मानना है कि जितना जल्दी हो सके इस ट्रेड से बाहर निकल जाए। जी हाँ, देखिए कई बार अपने आपको समझाना पड़ता है कि गलत हो गई ट्रेड, उसमें से बाहर निकल जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़रूरी है इंडिया बुल्स जैसे स्टॉक्स में। अब प्रेम सागर हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। गुड मॉर्निंग प्रेम। गुड मॉर्निंग सर, बताइए क्या ट्रेड लिया आपने? सर मेरे पास दो ट्रेड है, अशोक लेलैंड का दिसंबर 95 का कॉल मैंने लिया है, 1.30 रुपए के हिसाब से दो लॉट है मेरे पास, और दूसरा है रिलायंस का दिसंबर का पुट मैंने लिया है 1420 का, एट द रेट 3.24 रुपए, 10 लॉट है ये मेरे पास। देखिए प्रेम जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम इस तरीके के ऑप्शंस लेते हैं ना जिसमें 10 लॉट ले लेते हैं, हमके 2 रुपए पे मिल रहा है या 3 रुपए पे मिल रहा है, उसमें मोस्ट 95-99% टाइम हमारा पूरा पैसा चला जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको जिसने 1420 की पुट बेची है उसको पता है कि ये लेवल नहीं आएगा, इसीलिए उसने आपको पुट बेची है। और अशोक लेलैंड भी अच्छा स्टॉक है, मोमेंटम में है, लेकिन आपने बहुत दूर का कॉल ले लिया है, 95 का कॉल ले लिया है। ये जो इतनी दूर की स्ट्राइक्स होती है इनको ट्रेडिंग नहीं कहते, इनको मैं अपनी तरफ से गैम्बलिंग कहता हूँ, हो सकता है चल जाए ये अलग बात है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं होता है। अब किरण, दोनों ट्रेड्स, ये इनकी ट्रेड का मुझे लॉटरी टिकट ज्यादा लग रही है, लेकिन अशोक लेलैंड में लग रहा है चांस है पैसा बनने का, और रिलायंस में? नहीं, इन्होंने बहुत आउट ऑफ द मनी कॉल लिए है अनुज, दोनों कंपनीज की अभी करंट रेट करीबन 80 का है, उन्होंने 90 का कॉल लिया है, तो बहुत दूर हो गया है, तो मेरा मानना है कि इधर से उनको मुनाफा होता नजर नहीं आ रहा है,
तो थोड़ा सा अगर पुल बैक मिलता है 82-84 तक की अगर स्टॉक चलता है तो उधर एक बार इस ट्रेड से बाहर निकलने की सलाह है। और वैसे ही रिलायंस का, रिलायंस मुझे लगता है कि इमीडिएट बहुत ऊपर नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि एक आज गैप खुला है, ऊपर से थोड़ी सी सेलिंग आ रही है तो, और लॉन्ग टर्म चार्ट पे बहुत ओवर स्ट्रेस्ड है। आपको मीडियम टर्म में एक मूव देखने को मिलेगी जो कि 1800 तक ले जा सकती है, 1850, पर इमीडिएट इस महीने की बात नहीं है। जी हाँ, इमीडिएट इस महीने की बात नहीं है, ये गलत कॉल है आपकी। अब हिमांशु सिंह है जबलपुर से। हिमांशु, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ पूछे, क्या ट्रेड है आपके पास? सर टीसीएस का पहले मैं दो कॉल पुट ऑप्शन लिया था 43.7 पे। ओके। अभी आज मॉर्निंग में एक लॉट बुक कर लिया था 60 रुपीज पे। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी स्ट्रेटजी की आपने। एक तो आपने स्ट्राइक ठीक चुनी, एक वीक स्टॉक चुना, दो लॉट लिए, एक बुक किया, ये एक परफेक्ट ट्रेडर की स्ट्रेटजी होती है मेरे ख्याल से। अब आपने काफी अच्छा तो एग्जीक्यूट कर ही लिया है, बाकी किरण फाइनल एग्जीक्यूशन इसका क्या रहेगा? इनका कौन सा स्ट्राइक का है ये? 2060 का टीसीएस का पुट, 2060 का पुट लिया है। तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। मेरा मानना है कि ये इसने आज इम्पोर्टेंट सपोर्ट 2050 के तोड़ दिया है और जिस तरीके का पैटर्न है मुझे लगता है कि ये 2000 के लिए हेड हो रहा है। तो और 20-25 पॉइंट की डाउनसाइड है, उन लेवल्स के नजदीक आते ही आपका प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। राजेश जैन मुंबई से हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग राजेश। गुड मॉर्निंग सर। हाँ पूछिए, क्या ट्रेड है आपके पास? सर मेरे पास एक तो लॉट है सीमेंस का 1467 का। ठीक है, और दूसरा एक लॉट है टीवीएस मोटर का, वो 461 का है सर। सॉरी, ओके ठीक है। सीमेंस आपके भाव से 3 रुपए ऊपर इस समय, टीवीएस मोटर आपने बोला 461 पर। जी सर। ठीक है, एक बार टीवीएस का भी ट्रेड लेकर आएंगे इनका, मैं देखना चाहता हूँ इस समय टीवीएस कहाँ पर ट्रेड कर रहा है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये सीमेंस दिखा रहे हैं हम, इसमें तो खैर ठीक है प्रॉफिट है, टीवीएस मोटर में भी हल्का सा प्रॉफिट है, भाव टू भावी हैं आप, थोड़ा सा प्रॉफिट है आपको इस समय। किरण एक चीज़ इनकी समझ में आ रही है देख के, इनकी ट्रेड से मुझे लग रहा है कि ये जल्दी प्रॉफिट बुक करने वालों में नहीं है, और ये क्योंकि टीवीएस 470 तक भी गया इनके लेने के बाद, इन्होंने होल्ड किया है सीमेंस में भी, तो एक लॉजिकल शायद ट्रेड्स खेलते हैं ये। अब यहाँ पर आप इनको स्टॉप लॉस और टारगेट सजेस्ट करेंगे? देखिए सीमेंस बहुत ही अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, इधर से बहुत बड़ी गिरावट नहीं, थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, पर मेरा मानना है कि अभी के लिए ये 1450 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस रहने दीजिए और आपको वक्त लगेगा क्योंकि जब मार्केट ये ऊपर चल रहा है तब ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। मेरा मानना है कि आपको वक्त देना पड़ेगा, इसका एक साइकिल है, वो एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन होने के बाद ये वापस एक बार 1600-1650 तक जाने की ताकत रखता है, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखें। टीवीएस मोटर्स पे मेरा मानना है कि जो चार्ट पैटर्न है वो काफी स्ट्रांग है, छोटी सी करेक्शन देखने को मिल रही है, पर पहले इसके पहले जो 3-4 दिन का मूव आया था वो काफी स्ट्रांग था। इसका सपोर्ट जो है वो करीबन 460 का है, तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये करीबन 490-500 के लेवल्स आते दिनों में। ओके ठीक है, चलिए अब अगले दर्शक का एक एसएमएस ले लेते हैं। एलएनटी फाइनेंस पर निकिन ने अहमदाबाद से भेजा, इन्होंने दो लॉट बाय किए 120 कॉल की 6.50 रुपए पर। अच्छा मेरे ख्याल से इन्होंने फ्राइडे को ले लिया होगा जब फ्राइडे को इतनी तेजी थी। आपको याद होगा एलएनटी फाइनेंस हमने 85-84 का जोन था जिसमें बोला था कि बहुत अच्छा बाय जोन है। अब थोड़ा सा इस लेवल पर थोड़ा अभी भी मैं कहूँगा कि शायद एक दो दिन की करेक्शन के बाद ये स्ट्रांग स्टॉक है तो थोड़ा बाइंग आएगी, लेकिन किरण क्या करेंगे यहाँ पर? एलएनटी फाइनेंस को होल्ड करें? होल्ड करना चाहिए, अच्छा काउंटर है, अभी भी अंडरकरंट काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक हफ्ते के लिए ये रेंज बाउंड ट्रेड होगा और उसके बाद चलना चालू कर देगा, तो आपका पेशेंस टेस्ट करने वाला है। 115 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और मेरा मानना है कि अगर एक हफ्ता इसी 2-3 रुपए के रेंज में ट्रेड हुआ और फिर 120 का ब्रेकआउट मिलता है तो मेरा मानना है कि 140-145 के टारगेट सबको इसी महीने देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है किरण, तो अब फिर आपकी फ्रेश पिक्स दे दीजिए इस समय की। आप भेल का चार्ट देखना चाहिए, काफी खराब चार्ट पैटर्न हो गया और इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स तोड़ दिया है, तो मेरा मानना है कि भेल का 52 का पुट ऑप्शन जो करीबन 2.40 रुपए में मिल रहा है वो बाय करने की सलाह है और स्टॉप लॉस रहेगा 1.90 रुपए यानी 50 पैसे की रिस्क है और मेरा टारगेट करीबन 49-48 के देखने को मिलता है जैसा मेरा मानना है अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में, तो 4.50 रुपए 5 रुपए के टारगेट सबको देखने को मिल जाने चाहिए।